ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के ऊपर। करता हूँ 100% बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बातें बोलता हूँ, कोई भी आप लोगों से मैं झूठा वायदा नहीं। ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो पतली सी लाइन आपसे जुड़ी बहुत सी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पेशाब की नाली में सिकुड़न हो, चाहे पुरुष भाइयों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या हो, चाहे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है। और इस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है पेशाब को होल्ड ना कर पाना, पेशाब को रोककर नहीं रख पाना, मतलब आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। आप लोग अगर जोर से खांसेंगे, छींक मारेंगे या जोर जोर से हंसेंगे या इसके अलावा कोई एक्सरसाइज करेंगे हैवी, तो आप लोगों का यूरिन एकाएक अपने आप ही पास हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग होल्ड इस समस्या को, मतलब आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, पेशाब की नाली में अगर सिकुड़न है उसको कैसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और प्रोस्टेट के अगर आपको समस्या है, अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है उसको कैसे ठीक करें, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अच्छा, बात आती है जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। देखिए, एक बात बता दूं, वीडियो में जो भी मैं बात करता हूं 100% बिल्कुल सही बात बोलता हूं, अपने एक्सपीरियंस की बातें बोलता हूं, कोई भी आप लोगों से मैं झूठा वायदा नहीं करता। विश्वास करना या ना करना ये आप लोगों की मर्जी होती है। अच्छा, अब बात आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इस समस्या को कैसे ठीक करें। यार, बहुत परेशान हो गए हैं। उम्र दराज के जो लोग होते हैं, भाई बहन, माताएं बहनें होती हैं, उनमें तो बात समझ आ गई कि हाँ कोई इशू नहीं, चलो उम्र के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हो ही ना ना, क्योंकि परेशानी चाहे छोटी उम्र में हो चाहे बड़ी उम्र में, परेशानी तो परेशानी होती है। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बड़ी उम्र में समस्या है तो परेशानी ज़्यादा होगी या कम उम्र में है तो परेशानी कम होगी, नहीं, प्रॉब्लम्स तो बीमारियाँ ही होती हैं ना, वो छोटी बड़ी नहीं होती। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए मेन बात आती है, आपको थोड़ा सा मैं रफ बता दूं कि कैसे ये आपका यूरिनरी सिस्टम काम करता है। देखिए, ये मैंने डायग्राम आज बनाया है, ठीक है, आपको मैं रफ करके बता दूं, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है यूरिथ्रा, क्या है ये यूरिथ्रा, इसमें अगर सिकुड़न आ गई तो पेशाब बाहर नहीं आएगा, आप जो मर्जी जोर लगा लो पेशाब पास होगा ही नहीं। और इसके बाद ये जो दो पतली पतली लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये क्या है, यूरिटर्स, ये पेशाब को ले जाती हैं आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक, यहाँ तक, ये बोल वाला, और ये दोनों किडनी से। अगर आपकी किडनी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और, पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी, चाहे पेशाब रुक कर आता है, पेशाब में जलन है, पेशाब को नहीं रोक कर पेशाब एकाएक निकल जाता है, इसका आप लोगों को सीधा सीधा इंडिकेशन ये समझ लेना चाहिए कि हाँ आपके यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, घर कर चुकी हैं, आप लोगों ने जाने अनजाने में अपने यूरिनरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बीमार कर दिया, कमजोर कर लिया। पुरुषों में मेन होता है प्रोस्टेट, तो इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस मैंने बताया बना चुका हूँ, मेन जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसको कैसे आप लोग रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स या कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो पेशाब अपने आप ही बाहर निकल जाता है, मतलब आप पेशाब को कंट्रोल होल्ड करके नहीं रख पाते, रोक करके नहीं रख पाते। तो कुछ लोग तो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि बिस्तर पर ही पेशाब पास हो जाता है, यूरिन बाहर निकल जाता है, स्पेशली सर्दियों में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे ठीक करें, मेन बात आती है कैसे समस्या को ठीक करें, मेरे चाहे माताएं
बहने हों चाहे भाई हों मेरे, उन आप सभी को कोक्षरादी गुग्गुल की गोलियां लेनी है। क्या बोला मैंने? गोक्षरादी गुग्गुल की गोलियां, और ये बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के ऊपर। गोक्षरादी गुग्गुल की टैबलेट्स गोलियां दो सुबह दो रात को भोजन करने के बाद, और साथ में जो मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है गोखरू क्वाथ, गोखरू का काढ़ा, गोखरू के काढ़े में जैसे 3 ग्राम गोखरू का आप लोगों ने पाउडर लिया, उस पर 3 ग्राम काले तिल मिला लिया, उबाला, उसको काढ़े के रूप में बना के पी लिया। आप लोग इतने ज़बरदस्त एक रिजल्ट देखेंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं बहुत सी वीडियोस में बताता हूँ, देखिए ट्रीटमेंट जो एक होता है वो सेम ही होता है, लेकिन बीमारियों में अलग अलग तरीके से आप लोगों को लेना पड़ता है। जितनी भी गोलियाँ हैं टैबलेट्स हैं अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ढंग से लेना पड़ता है। क्या बताया मैंने? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या को दूर करने के लिए गोक्षरादी गुग्गुल की दो दो गोली सुबह शाम, साथ में गोखरू का काढ़ा मतलब गोखरू का पाउडर लिया, उसमें आप लोगों को 3 ग्राम गोखरू का पाउडर लिया, 3 ग्राम काले तिल लिए, आपस में अच्छे तरीके से उनको उबाला और वो काढ़ा पी लिया। ये इससे क्या होगा, आपके पूरा यूरिनरी सिस्टम डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके शरीर के अंदर अगर जो यूरेथ्रा है मतलब जो पेशाब की नाली है उसमें अगर सिकुड़न भी होगी उसको भी ठीक कर देगा, जो उसके ऊपर स्वेलिंग आ चुकी है उसको भी ये काढ़ा ठीक कर देगा, सिकुड़न को खोल देगा, पेशाब अच्छे तरीके से पास होगा। या अगर ज़्यादा पेशाब आता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है गोखरू का काढ़ा। तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, साथ में परहेज तो देखिए कंपलसरी होती है, वो तो करने ही पड़ते हैं, और साथ में अगर आपको फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, यू हैव टू अप्लाई दीज टू टिप्स फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अगर आप लोगों को असर नहीं दिखता है, यू हैव टू कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट। अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, शेयर कीजिए, उसके बाद जो एडवाइस देते हो आपको वही एडवाइस फॉलो करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। लेकिन जो स्ट्रिक्टली मेरी बातों को फॉलो करेंगे, डाइट मैंने हर वीडियो में बताई, उनको वीडियो को देख लो, समझ लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, डाइट जो मैंने बताई है वो डाइट फॉलो करने पड़ेंगी, परहेज मैंने बताया वो परहेज करने पड़ेंगे, आपको हो ही नहीं सकता कि पेशाब से जुड़ी समस्याओं में असर देखने को ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ चुकी होगी, लाइक करना, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।